और कल भी गया। आज मीडिया को कुछ नहीं जा सकते रहे, पता नहीं यही कुछ अब देखते हैं अगर जाते हैं कि नहीं, बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें, आवाम तक ना बात पहुँचा दें। कल भी खान साहब के सुना शीशे लगे हुए थे, आप तो गेट के अंदर बहुत ज़्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को। तो खान साहब ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उनका कोई उनको वो भी नहीं आवाज़ आई थी, तो जज की क्या आवाज़ आनी थी और ट्रायल की क्या आवाज़ आनी। जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आपका ख्याल है कि ये फेयर ट्रायल कैसे हुआ? तो क्या अपील करेंगी आप? हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? आप एहतजाज कर सकते हैं कि आपको इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप ही को कह सकते हैं कि ये जो अंदर हो रहा है ये ट्रायल कोई नहीं है, ये मजाक है। इन्होंने खान साहब के ऊपर कोई दफात लगानी होगी सजाए मौत की, लेकिन हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नाज़िम यतीन जिला खान साहब आए थे। ये अंदर अभी नहीं जाने दे रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा बैन मौजूद है अलीमा खान साहब। मैडम ये बताइए क्यों अंदर जाने दे रहे हैं, क्या वजह? हमें तो नहीं पता क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या कहेंगी आज मीडिया को भी अलाउ नहीं है और कल भी गया? आज मीडिया को कुछ नहीं इजाज़त दे रहे, पता नहीं यही कुछ देखते हैं अगर जाते हैं कि नहीं, बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें, आवाम तक ना बात पहुँचा दें। कल भी खान साहब के सुना शीशे लगे हुए थे, आप तो गेट के अंदर? बहुत ज़्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को। तो खान साहब ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उनका कोई उनको वो भी नहीं आवाज़ आई थी, तो जज की क्या आवाज़ आनी थी और ट्रायल की क्या आवाज़ आनी। जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आपका ख्याल है कि ये फेयर ट्रायल कैसे हुआ? तो क्या अपील करेंगी आप? हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? आप एहतजाज कर सकते हैं कि आपको इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप ही को कह सकते हैं कि ये जो अंदर हो रहा है ये ट्रायल कोई नहीं है, ये मजाक है। इन्होंने खान साहब के ऊपर कोई दफात लगानी होगी सजाए मौत की, लेकिन हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नाज़िम यतीन जिला खान साहब आए थे। बुखारी आई हुई आपकी मैडम, बुखारी से आपकी कोई मुलाकात हुई है? हिबा बुखारी से फवाद चौधरी, फवाद चौधरी की बीवी। नहीं नहीं, यहाँ पे और कोई नहीं होता सिवाय वो इधर ही थी। अच्छा नहीं, बाहर हमें नहीं पता। पहले बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जो चेयरमैन पी टी आई इमरान को इजाज़त नहीं मिल रही थी। उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद उन्हें आज इजाज़त मिली है, उन्हें अंदर पेश किया। कल भी गया। आज मीडिया को कुछ नहीं इजाज़त दे रहे, पता नहीं यही कुछ अब देखते हैं अगर जाते हैं कि नहीं, बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें, आवाम तक ना बात पहुँचा दें। कल भी खान साहब के सुना शीशे लगे हुए थे, आप तो गेट के अंदर? बहुत ज़्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को। तो खान साहब ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उनका कोई उनको वो भी नहीं आवाज़ आई थी, तो जज की क्या आवाज़ आनी थी और ट्रायल की क्या आवाज़ आनी। जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आपका ख्याल है कि ये फेयर ट्रायल कैसे हुआ? तो क्या अपील करेंगी आप? हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? आप एहतजाज कर सकते हैं कि आपको इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप ही को कह सकते हैं कि ये जो अंदर हो रहा है ये ट्रायल कोई नहीं है, ये मजाक है। इन्होंने खान साहब के ऊपर कोई दफात लगानी होगी सजाए मौत की, लेकिन हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना।
बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन ये थी अलीमा खान साहब का बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें अवाम तक ना बात पहुँचा दें। कल भी इंसान सब के सुना शीशे लगे हुए थे आप तो गेट के अंदर बहुत ज्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को तो खान साहब ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको आवाज़ आ रही है तो उनका कोई उनको वो भी नहीं आवाज़ आई थी तो जज की क्या आवाज़ आनी थी और ट्रायल की क्या आवाज़ आनी जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आपका ख्याल है कि ये फेयर ट्रायल कैसे हुआ तो क्या अपील करेंगी आप हम क्या कर सकते हैं आप बताएं आप एहतजाज कर सकते हैं कि आपको इजाज़त नहीं मिल रही लेकिन हम क्या कर सकते हैं आप ही को कह सकते हैं कि ये जो अंदर हो रहा है ये ट्रायल कोई नहीं है ये मजाक है इन्होंने खान साहब के ऊपर कोई दफात लगानी होगी सजाए मौत की लेकिन हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन ये थी अलीमा खान साहब ऐसे ही बंद कर दे अंदर आज मीडिया को कुछ नहीं इजाजत दे रहे अब देखते हैं अगर जाते हैं कि नहीं बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें अवाम तक ना बात पहुँचा दें कल भी इंसान सब के सुना शीशे लगे हुए थे आप तो गेट के अंदर बहुत ज़्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को तो खान साहब ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको आवाज़ आ रही है तो उनका कोई उनको वो भी नहीं आवाज़ आई थी तो जज की क्या आवाज़ आनी थी और ट्रायल की क्या आवाज़ आनी जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आपका ख्याल है कि ये फेयर ट्रायल कैसे हुआ तो क्या अपील करेंगी आप हम क्या कर सकते हैं आप बताएं आप एहतजाज कर सकते हैं कि आपको इजाज़त नहीं मिल रही लेकिन हम क्या कर सकते हैं आप ही को कह सकते हैं कि ये जो अंदर हो रहा है ये ट्रायल कोई नहीं है ये मजाक है इन्होंने खान साहब के ऊपर कोई दफात लगानी होगी सजाए मौत की लेकिन हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन ये थी अलीमा खान साहब ऐसे ही बंद कर दे अंदर आज मीडिया को कुछ नहीं इजाजत दे रहे पता नहीं यही अब देखते हैं अगर जाते हैं कि नहीं बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें अवाम तक ना बात पहुँचा दें कल भी इंसान सब के सुना शीशे लगे हुए थे आप तो गेट के अंदर बहुत ज़्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को तो खान साहब ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको आवाज़ आ रही है तो उनका कोई उनको वो भी नहीं आवाज़ आई थी